इक्वल टू एक्स प्लस आईटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x² + 1। और हमें जो प्रूव करना है वो a² + b² x² + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x² + 1 का होल स्क्वायर। तो ये प्रूव करने के लिए जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन में किया था, पुटिंग माइनस आयोटा इन प्लेस ऑफ आयोटा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन वन है आपकी और इक्वेशन टू है, यहां पर हमने क्या किया, सिर्फ आयोटा का चेंज किया है, माइनस आयोटा पुट किया है जहां पर भी है, ये एक्स माइनस आयोटा हो गया, ठीक है, ये स्क्वायर एडिटिव रहेगा, बाकी हमने कोई चेंज नहीं करा है, ये 2x² + 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर टू है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन वन मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन टू, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस आय वन एक्स प्लस आयोटा और एक्स माइनस आयोटा, दोनों की मल्टीप्लाई हमने करनी है और दोनों का कंबाइंड स्क्वायर लगा दिया हमने, दोनों टर्म आपकी क्या है स्क्वायर में है, और ये दोनों टर्म स्क्वायर में है, ठीक है, तो ये आपका एडिटिव रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर हो जाएगा, 2x² मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर की भी स्क्वायर करनी पड़ेगी, दोनों टर्म एग्जैक्टली सेम है तो ये होल स्क्वायर हो गया। यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी वाले आइडेंटिटी यूज किया अगर हमने, तो ये हो जाएगा a² - i² b² यहाँ पर क्या होगा आपका x² - i² का होल स्क्वायर, ये आपका 2x² + 1 होल स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन होती है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया माइनस वन, तो a² + b² = x² + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1 होल स्क्वायर, बस यही हमें प्रूव करना था, है ना। क्वेश्चन नंबर फोर में भी हमने एग्जैक्टली सेम ही ऐसे ही किया था, आप इसको देखो दोबारा से, हमने क्या किया है, सिर्फ माइनस आयोटा रखा है आयोटा की जगह, जब यहाँ पे आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखेंगे तो माइनस फोर हो गया, यहाँ प्लस का आयोटा रहा था माइनस आयोटा हो गया, लेकिन यहाँ पर डिनोमीटर में आयोटा नहीं है कहीं पर भी, है ना, तो यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा, ये टर्म एलरेडी है आपकी 2x² + 1, ठीक है, ये नहीं है कि यहाँ पर भी चेंज कर लेंगे माइनस कर देंगे, फिर हमने आयोटा की जगह जहां पर भी आयोटा है वहां पर माइनस आयोटा पुट किया, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया जो लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई, जो राइट साइड में टर्म है तो उनकी न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में होगी और जब डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में होगी, जो कि दोनों सेम टर्म है, तो इसका क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, और जब हमने आईएनटी यूज करी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन होती है, तो प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस वन हो गया, ठीक है, ये 2x² + 1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया, कोई नई ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, 12 में गिवन है z1 = z1 = है आपका 2 - क्या आएगा और z2 = है -2 + i,
हमें फाइंड करनी है फर्स्ट वाले पार्ट में रियल वैल्यू ऑफ z1 z2 डिवाइडेड बाय z1, ठीक है, और सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करनी है हमें इमेजिनरी वैल्यू ऑफ 1 अपॉन z1 और z1 बार. तो दो क्वेश्चन दिए हुए हैं एक क्वेश्चन के अंदर 12 के. तो यहाँ पर हमने क्या करना है z1 अपॉन z1 z2 अपॉन z1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. पहले हम सिर्फ ये ही निकालना है z1 z2 अपॉन z1, यानी कि क्या करना है z1 और z2 की मल्टीप्लाई करनी है 2 माइनस आयोटा और माइनस 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय z1. z1 कितना है 2 माइनस क्या. अब इसको सिंपलीफाई करना है तो सिंपलीफाई करने के लिए पहले अप्लाई कर लो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा माइनस के 4 प्लस के 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो गया 2 आयोटा और माइनस के आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस के आयोटा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस 4 है और ये आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 ये माइनस 3 आ गया माइनस 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय है आपका 2 माइनस आयोटा, ठीक है. इसको हमने क्या करना है कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करिए हमने ऊपर नीचे ये हो जाएगा आपका माइनस 6 माइनस 3 आयोटा प्लस 4 टू द 8 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 to the 4 minus iota square. यहाँ पर जो टर्म एक जैसी है यहाँ पर माइनस सिक्स आ रहा है ये 4 iota square की वैल्यू माइनस की हो जाएगी माइनस 4 तो माइनस 6 और माइनस 4 कितना हो गया माइनस 10 माइनस 3 प्लस 8 iota है तो प्लस का 5 iota हो गया डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 हो गया. 5 से हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 2 प्लस आयोटा. अब उन्होंने पूछा है सिर्फ रियल पार्ट तो रियल पार्ट जो है z1 z2 अपॉन z1 का कितना हो गया रियल पार्ट कितना है सिर्फ माइनस 2 सिर्फ इन्होंने रियल पार्ट पूछा था तो हमने रियल पार्ट का ये आंसर बताया है वो माइनस 2. इसी तरीके से ये 1 अपॉन z1 z1 बाद में पहले हम क्या करेंगे 1 upon z1 z1 bar की वैल्यू निकालेंगे 1 upon z1 z1 bar का मतलब है इसका कंजुगेट z1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस के आयोटा z1 माइनस z bar की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है दोनों दे अब इसमें आप देखो इसके अंदर कोई इमेजिनरी पार्ट है इसके अंदर है इमेजिनरी पार्ट उन्होंने पूछा है इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा इसका वो जीरो हो जाएगा क्यों क्योंकि इसमें जो है अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखे जाएगा तो इमेजिनरी पार्ट सिर्फ जीरो है इसलिए जो है हम इसको जीरो लिख देंगे. दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को कैसे करना है इसमें जो दिया हुआ था आपको जेड वन जेड टू दो टर्म दिए हुए हैं है ना ये जो रियल लिखा हुआ है ये थोड़ा और लग रहा है आपको मैं इसको आप भूल जाओ रियल जो लिखा हुआ है आप सिर्फ इसकी जो ब्रैकेट के अंदर है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो ठीक है. रियल का मतलब है सिर्फ रियल पार्ट बता रहे हैं आपको और आई एम का मतलब है आपको सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बता रहे हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं जैसे कि यहाँ पर रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट माइनस 1
पहले हमने क्या करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, डेट वन डेट टू अपॉन डेट वन, ठीक है। तो जेड वन जेड टू है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करी है, डिवाइडेड बाई जेड वन है, मल्टीप्लाई करने के बाद ठीक है, जब हमने मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया तो माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा आ गया, क्योंकि डिनोमेटर में हम जो है ये आयोटा नहीं छोड़ेंगे तो इसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बार जो है बार का मतलब कंजुगेट ही होता है, ठीक है, ये कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टू प्लस आयोटा, टू प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करने के बाद ये फोर प्लस वन फाइव हो गया, ठीक है। और ऊपर वाली जो टर्म आ रही है सोल्व कर, माइनस टेन प्लस फाइव आयोटा आ रही है, तो फाइव से इसको डिवाइड करा माइनस टू आ गया, ये प्लस वन आ गया। तो उन्होंने रियल पार्ट पूछा है, तो रियल पार्ट पूछा है, रियल पार्ट इसका फिर कितना है, माइनस टू है। इसी तरह इसका जो दूसरा वाला पार्ट है, वन अपॉन जेड वन, जेड वन बार है तो जेड वन ये है, जेड वन बार ये, दोनों की मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करी कितना आया, वन अपॉन फाइव प्लस जीरो आयोटा आया। तो इसका इमेजिनरी पार्ट पूछा है, तो इमेजिनरी पार्ट इसके अंदर है ही नहीं, आयोटा वाली टर्म नहीं आ रही है, इसलिए इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, वो सिर्फ जीरो हो जाएगा। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 में गिवन है 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1, अब इसमें आ रहा अनडिस्क्रीट है, 1 माइनस 3 आयोटा है, 1 प्लस 3 आयोटा है, ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा इसके अंदर, ठीक है। आप प्लस में हो तो प्लस में ले लेना, माइनस में हो तो माइनस में ले लेना, मैं माइनस के सोच के आपको सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रेड इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म क्या होती है ये आपको पहले भी बता चुके हैं, इसके क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, r इज इक्वल टू cos phi प्लस आयोटा sin phi, ये पोलर फॉर्म में इसमें आ गया है इसका मॉडल और फाइ क्या है आर्गुमेंट। तो पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड होती है पहले j इज इक्वल टू प्लस आयोटा, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये, तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए इसके कंप्यूटर से मल्टीप्लाई किया हमने 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा, तो माइनस थ्री आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म को, तो 1 प्लस 3 आयोटा 2 आयोटा 2 3 6 आयोटा स्क्वायर 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, ये 1 और ये माइनस का 6 हुआ है ना, 6 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, तो माइनस 6 और प्लस 1 माइनस 5 हो गया, ये कितना हुआ 5 आयोटा हो गया, ये 1 प्लस 9 हो गया है ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 1, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, यानी कि आप इस कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 10, 10 को डिवाइड कर देते, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर इज इक्वल टू कितना होता है, होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका 1 अपॉन 2 है, 1 अपॉन 2 को आप आर लिखना चाहो तो बाहर लिखा रख दे सकते हो, ए क्या लेना है आपको माइनस वन स्क्वायर प्लस बारह हो गया, आयोटा जो पॉइंट है उसके स्क्वायर हो गया, यानी कि आया आपका ये हमारी जो वैल्यू आ रही है आर की वैल्यू आ रही है,
अब हमें क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो आर्ग्यूमेंट मैंने बताया पहले टेन थीटा हम यूज करेंगे, टेन थीटा बराबर होता है बी अपॉन ए के। बी कितना है, बी की वैल्यू है आपकी वन, वन अपॉन माइनस वन यानी कि वन हो गया, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय फोर होगी। अब हम ये देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आर्गुमेंट फाई इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस के थीटा, यानी के थ्री पाई फोर हो गया। अब हम इसकी क्या लिखनी है, पोलर फॉर्म में लिखनी है। पोलर फॉर्म में यही पर लिख दे रहा हूँ, जेड इज इक्वल टू होगी आर, आर कितना निकल रहा है हमें रूट टू अपॉन टू, और cos y, cos y का मतलब 3 pi by 4, sin 3 pi 4, ये ठीक है। दोबारा देख लो एक बार और इसको, हमने क्या किया है, ये आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था 1 plus 2 आया था, 1 minus 3 आया था, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो इसको पहले डिनोमिनेटर से हमें आयोटा हटाना था। हटाने के लिए कंजुगेट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जब कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये टर्म आ गई माइनस वन प्लस आयोटा अपॉन टू। फिर हमने आर निकाला, आर की वैल्यू क्या होती है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या लेते हैं, ये जो 1/2 है ये अलग है, अगर आप इसके साथ ही ले लोगे ये 1/4, ये 1/4 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, 4 का रूट निकल आएगा तब ये 2/2 ही आएगा। अगर हम इसे साथ में लेना चाहें ले सकते हैं, वरना उसको हम सेपरेट भी ले सकते हैं, जो टर्म कॉमन आई हुई है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने tan थीटा एंगल की वैल्यू ऐड की थी अपॉन ए, ठीक है, बी वन दिया हुआ है और ए माइनस वन है, तो थीटा की वैल्यू पाई बाय टू। आर्ग्यूमेंट जो हम क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं, आपका सेकंड क्वाड्रेंट थीटा है, 3 पाई बाय 4, ये आपका आंसर हो गया। ये कंजुगेट है, किसका कंजुगेट है, कंजुगेट का मतलब है ये -6 -24 आयोटा का कंजुगेट है। कंजुगेट का मतलब है इसका हमने समझो बार लगा दिया हमने, यानी कि अगर हम कंजुगेट लेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ है ना, ये जो दोनों टर्म है ठीक है, इनका प्रोडक्ट जो है इसके कंजुगेट के बराबर है, इसका कंजुगेट के बराबर है, तो इसका हम कंजुगेट अगर ले लेते हैं तो दोनों टर्म कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। बस अब हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई की हमने तो 3x और x की 5 से करेंगे तो 5x आयोटा, फिर -3y आयोटा, फिर 5y आयोटा स्क्वायर, ये तो हो गया ये। और इसका कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट में सिर्फ हम आयोटा की जगह माइनस आयोटा पुट करते हैं, -6 + 24 आयोटा, सिर्फ कंजुगेट में हम जो है ना वो सिर्फ साइन जो है आयोटा वाली जो कोफिशिएंट होता है उसका चेंज कर देते हैं, यानी कि आयोटा की जगह अभी हम लोग क्या माइनस आयोटा पुट कर देते हैं, वो उसका कंजुगेट कहलाता है। ये 3x है और यहाँ पर जो टर्म आएगी आयोटा स्क्वायर वो माइनस वन आएगी, तो क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा, ये हो गया आपका 3x + 5y। यहाँ पर हमने क्या किया, आयोटा कॉमन ले लिया
5x माइनस 3y क्या है इक्वल टू माइनस 6 प्लस 24y। या अब दोनों ही टर्म जो है ना इक्वल है ना, लेफ्ट साइड की और राइट साइड की, ये दोनों इक्वल जब हो सकती है, जब दोनों तरफ की टर्म यानी कि इसका जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर है सपोज करो सी प्लस आयोटा डी, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर है मतलब जेड वन इजिकल टू जेड टू है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए बराबर सी होगा और बी बराबर डी होगा ना। ये मैंने आपको अलग से बताया है, ये क्वेश्चन के बीच में लिखने की जरूरत नहीं है, आप साइड में लिख सकते हो। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी और दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर है सी प्लस आयोटा डी, तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे जब दोनों के रियल पार्ट भी बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट भी बराबर हो। तो इसका रियल पार्ट कितना है, इसका रियल पार्ट है आपका 3x प्लस 5y, वो बराबर है आपके माइनस है, ये एक इक्वेशन है। दूसरा क्या है, ये 5x माइनस 3y इसके बराबर हुआ, ये बराबर होगा 24, ये दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, अब इक्वेशन सॉल्व करने तो आपको बहुत पहले से आती है, ठीक है, चलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। कोई भी एक कोफिशिएंट आप इक्वल कर लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई, सारे टाइम को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 या 9 है, 3 5 या 15 वाई और 3 6 या 18 हो गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 5 या 25 एक्स माइनस के 15 वाई ये हो जाएगा 24 आ रहा है, तो 5 4 या 20 120 हो, ये दोनों हमने ऐड कर लिए, ऐड करने के बाद कितना आए 34x इजी टू, ये आया आपका 10 में से 8 माइनस किया 2 यानी कि 102 आ रहा। यहाँ x की वैल्यू हमें निकालनी है तो x की वैल्यू हो जाएगी 102 डिवाइडेड बाय 34, 34 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि x इजी टू कितना आ गया 3 आ गया, तो x की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग फर्स्ट इक्वेशन में तो 3 इनटू 3 प्लस 5 बाई इक्वल टू माइनस, तो 5 बाई इक्वल टू कितना हो गया माइनस के 6 माइनस के 9, y इक्वल टू कितना हो गया माइनस के 15 अपॉन 5, यानी कि y इक्वल टू कितना आया माइनस 3 आया, यानी कि x इक्वल टू प्लस 3 आ रहा है, y इक्वल टू माइनस 3 आ ठीक है। द्वारा इसको बता रहे हैं, द्वारा समझ लीजिए, ये चीज नहीं समझ आई है, दो टर्म है, दो टर्म का प्रोडक्ट जो है वो दिया हुआ है, वो इक्वल है इस टर्म के कंजुगेट, ठीक है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट हो गया माइनस 6 प्लस 24 ऐड करो। अब हमने इनकी मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करते देखो ये सारे टर्म हमने देखे, लिखने के बाद जो रियल टर्म थी वो हमने अलग कर दी और इमेजिनरी वाली टर्म हमने अलग कर ली, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो रियल पार्ट हमेशा रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, ठीक है। ऐसा ही हमने किया, 3x + 5y को हमने माइनस 6 के इक्वल रखा, 5x - 3y को 24 के इक्वल रखा, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेशन सॉल्व करना है, इक्वेशन सॉल्व करना आपको 9 10 में आपने किया है, ठीक है, तो हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, ठीक है, 25 प्लस 9 34x इक्वल टू 102, ये थी थ्री आ गई x की वैल्यू, वो पुट करके हमने y की वैल्यू माइनस, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया।
फिर क्या बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15, फाइंड द मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस निकालना ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 15, वन प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई वन माइनस आयोटा, अब यहाँ बीच में इसका भी साइन नहीं पता चल रहा, प्लस है ना माइनस है, आप क्या करोगे इसका एलसीएम ले लेंगे, जैसे हम करते हैं दो फ्रैक्शन होती हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है, जैसे उनका एलसीएम लेते हैं वैसे हमें इनका एलसीएम, वन माइनस आयोटा और वन प्लस आयोटा, यहाँ पे डिवाइड करा वन प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये वन माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया, वन प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस टू आयोटा, यहाँ वन प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस टू आयोटा, ये प्लस वन यानी कितना आ जाएगा जीरो, जीरो है तो इसका क्या हो जाएगा आंसर फोर्टी जीरो हो जाएगा, अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हुआ क्योंकि तो यहाँ पता नहीं था ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस हुआ ये अगर क्वेश्चन है जेड इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई वन माइनस आयोटा माइनस के वन माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई वन प्लस आयोटा, तो क्या होगा फिर फर्क कितना पड़ेगा, ये वाली जो टर्म है कैंसिल जो हो रही है ना, ये वाली जो मैं पूरा नहीं लेता हूँ, ये आ जाएगा वन प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस के टू आयोटा, माइनस लेंगे तो माइनस का वन आएगा माइनस का आयोटा स्क्वायर आएगा प्लस का टू आयोटा, साइन बदल जाएंगे यहाँ तो वही रहेगा ठीक है, तो यहाँ पर जो टर्म है आपकी ये वाली कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, वन कैंसिल हो गई, कितना आ जाएगा ये फोर आयोटा डिवाइडेड बाई टू आयोटा, टू से इसको कैंसिल कर, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस ऑफ जेड कितना हो जाएगा वो टू, यहाँ मॉडुलस ऑफ जेड निकालेंगे वो कितना हो जाएगा जीरो, ये मैंने दो पार्ट में बता दिया क्योंकि ये पता नहीं चल रहा था इसका साइन प्लस का है या माइनस का, अगर प्लस का है तो इसका मॉडुलस जीरो आ रहा है, अगर वो माइनस का है तो मॉडुलस कितना आ रहा है वो टू आ रहा है, फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस आयोटा वाई टू दी पावर थ्री, x प्लस आयोटा वाई टू दी पावर थ्री इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, ये दिया हुआ है ना, इसे हमें प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है यू अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन है यहाँ पर जो है यहाँ क्यू में दिया हुआ है, तो अगर हम क्यू वाली आइडेंटिटी लगा क्या है a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब
प्लस बी टू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर देखो कि ए की जगह क्या है ना, ए की जगह है आपका एक्स है, तो एक्स का क्यूब हो जाएगा, बी का मतलब आर ऑट ऑफ वाई टू दी पावर थ्री प्लस थ्री ए स्क्वायर, ए का मतलब एक्स का स्क्वायर, बी का मतलब आर ऑट ऑफ वाई हो गया प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ए की जगह हम क्या लेंगे, एक्स लेंगे, और बी की जगह लेंगे हम आयोटा वाई का स्क्वायर। ये हमने इसको हमने कोल आइडेंटिटी को, ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है u प्लस आयोटा बी के इक्वल दिया हुआ है, तो इसको हमने सिंपलीफाई करके लिखा, ये x क्यूब है और आयोटा का क्यूब कितना हो जाएगा माइनस आयोटा वाई क्यूब, ये कितना हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर वाई और आयोटा आ जाएगा, आयोटा को मैंने आगे लिख दिया, फिर कितना है थ्री एक्स वाई आयोटा स्क्वायर ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वन, फिर कितना है इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी। अब आप ये देखो ये वाली जो टर्म है इसमें रियल रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट हमने अलग लिख दिया, रियल पार्ट है आपका एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई, इमेजिनरी पार्ट है आई हमने लिखा, ये इमेजिनरी पार्ट साइड हमको मैंने आगे लिख दिया थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस के वाई इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, जैसे हमने पहले किया था एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स वाई इक्वल होगा यू के पार्ट इमेजिनरी पार्ट के अपॉन वन, ये दोनों है दोनों टर्म को अगर हम ऐड कर लें यू, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो यू अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई, हमने वो ऐड कर लिया है, ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर में थ्री एक्स स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, दोनों तरफ अगर हम ऐड करते हैं तो ये तो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई, ये है आपका थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू यू अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई, तो थ्री एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गया फोर एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये आपका कितना है यहाँ पर बेटे ये वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है यहाँ पर, ये कितना है यहाँ पर हमने लिखा था ये वाई क्यूब था ना थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई आयोटा थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस के वाई क्यूब, यहाँ हमने कॉमन लिया था एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई में एक्स कॉमन लिया था एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई आ रहा, स्क्वायर क्यों नहीं आ रहा है स्क्वायर आना चाहिए ना, यहाँ हमने क्या किया है यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं थ्री ए स्क्वायर बी थ्री ए बी स्क्वायर, थ्री ए बी स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, जब ये वाई स्क्वायर आएगा तो वाली टर्म क्या हो जाएगी वाई स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ पर भी क्या होगा ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये भी वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये भी वाई स्क्वायर हो गया, जब हम ऐड करेंगे तो ये माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो गया माइनस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू यू अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई, यही हमें प्रूव करना था, फोर हम कॉमन ले लेंगे तो यही आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आप इसको दोबारा देखो यहाँ पर हमने ए प्लस बी कॉमन की वाली आइडेंटिटी लगाई है, तो सब कुछ नहीं किया आइडेंटिटी लगाने के बाद, ठीक है, बोलने के बाद रियल पार्ट के इक्वल लगा है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, जो कॉमन रखता था वो कॉमन लिया, क्योंकि एक्स को मदर लेंगे जो कि हमें ये प्रूव करना है वो यू अपॉन एक्स पे बी अपॉन वाई है, इसलिए हमने यू इसको एक्स को इधर ट्रांसफर कर दिया वाई को इधर ट्रांसफर कर दिया, अब दोनों को हमने क्या किया
दोनों को ऐड कर दिया, u अपॉन x प्लस v अपॉन y, तो लेफ्ट साइड में ऐड हुई और राइट साइड में ऐड हुई। यही हमें प्रूव करना है। फोर अगर हम कॉमन करके लिखेंगे ये आ जाएगा फोर, बाहर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ये प्रूव हो गया। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 16 तक आप कंप्लीट कर लेंगे। और किसी को कोई बेटा प्रॉब्लम है आप भी प्रॉब्लम पूछ सकते हो।